आदिपुरुष मूवी जब से रिलीज हुई है तो सब पुरानी वाली रामायण से कंपेयर कर रहे हैं, या तो जापानीज वाली रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम या रामानंद सागर वाला रामायण का सीरियल। और सच बोलूं, रामानंद सागर वाले रामायण के सीरियल के जैसा आज तक ना तो कुछ ऐसा बना है और मुझे लगता भी नहीं कि उस मैजिक को ये लोग कभी कैप्चर कर पाएंगे। पर ऐसा क्यों था, क्यों रामायण का जो सीरियल रामानंद सागर ने बनाया वो हमें ऐसा लगता है कि उसको इतने सालों बाद देखने पे भी हमें वही भक्ति, वही मैजिक और वही इमोशंस फील होते हैं। तो इसके लिए है मेन 7 रीजंस और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप सातों के सातों रीजन से अग्री करने वाले हो। तो नंबर 1 रीजन है रामानंद सागर खुद, क्योंकि रामानंद सागर रामायण से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे और आपने देखा भी कि उन्होंने उसके बाद कृष्णा भी बनाया था और भी सीरियल बनाए थे। मतलब उनका जो भक्ति वाला जॉनरा था उसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। तो अगर आप भगवान से कनेक्टेड हो तभी आप इतनी कोई अच्छी चीज़ ला सकते हो, जो कि ओम राउत के केस में नहीं दिखता है। मुझे फील नहीं हुआ कि वो भगवान से बिल्कुल भी कनेक्टेड हैं आदिपुरुष मूवी में। नंबर 2 अरुण गोविल। अरुण गोविल ने खुद ही बताया कि वो भगवान के कैरेक्टर में कैसे ढल गए, क्योंकि सबसे पहले तो उनको किसी ने एडवाइस दी थी कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, अगर आप स्माइल करेंगे थ्रू आउट द सीरियल जब भी ऐसे आइकॉनिक मोमेंट्स आते हैं तो आप बहुत गॉडली प्रेजेंस देने वाले हैं। और आप देखते हैं रामायण के सीरियल में उन्होंने बहुत बार स्माइल करके पोलाइट होके वो पूरे रामायण में रहे हैं, जो कि प्रभास के चेहरे पे नहीं दिखा, उनके चेहरे पे सिर्फ गुस्सा ही दिखा हमें। पॉइंट नंबर 3, बाकी अदर कास्ट। हम लक्ष्मण जी, सीता जी, यहाँ तक कि रावण, मेघनाथ, हनुमान जी, इन सब की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामचंद्र जी ने ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वहाँ पे। सीरियल देखते टाइम सब लोग इतने ज़्यादा रियल फील होते थे और अब भी होते हैं कि हमें यही लगता है कि यही भगवान है, भगवान रियल में ऐसे ही दिखते होंगे। पॉइंट नंबर 4, इमोशंस। आप विश्वास नहीं करेंगे कि रामायण एक ऐसा सीरियल है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हंसाया भी है, रुलाया भी है और बहुत ही अच्छा फील भी करवाया है। आप कितने ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स तुरंत काउंट कर सकते हो, भरत मिलाप वाला सीन, रामचंद्र जी के वनवास वाला सीन, और यहाँ तक कि सिर्फ भगवान की साइड ही नहीं, रामानंद सागर में राक्षसों वाले कैरेक्टर्स को भी इमोशंस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है, चाहे वो कुंभकर्ण हो, रावण हो, मेघनाथ हो, कोई भी हो। नंबर 5, ओल्ड इज गोल्ड वाली फीलिंग। क्योंकि रामायण एक ऐसा सीरियल है जिसको कोविड के टाइम पे जब दोबारा टेलीकास्ट किया गया था तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये पुराने लेवल का VFX है, ये 30 साल पहले बनाया गया है, इसमें अब मज़ा नहीं आ रही। वही सेम फीलिंग आ रही है, वही सेम मज़ा आया और वही सेम पीसफुल वाइब आई जो रामायण प्रोवाइड करती है। नंबर 6, सॉन्ग्स। आपको पता होगा कि अगर आपने रामायण देखी है तो उसमें सॉन्ग्स की भरमार है, बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स हैं, और ये कोई गलत सेंस में नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा सॉन्ग्स हैं वो भी इमोशंस को हाइप अप करने में और रामायण को एक रामायण वाली फीलिंग प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और नंबर 7 और जो लास्ट पॉइंट है, भक्ति। जैसा कि मैंने बताया इनको सब भगवान के रूप में देखते हैं तो इनकी सब पूजा भी करने लगे थे, इन्हीं का फोटो लगा के। इमेजिन करिए आपने इतना ज़्यादा कोई अच्छा कंटेंट बनाया कि लोग भूल ही गए कि ये एक्टर हैं, लोग ये समझने लगे ये पूरे भगवान हैं। और यहाँ तक कि अरुण गोविल, दीपिका या सुनील लहरी के कैरेक्टर्स लोगों को ऐसे दिख जाते हैं तो उनके पैरों में पड़ जाते हैं, उनके हाथ जोड़ने लग जाते हैं, मतलब इनको सब भक्ति के भाव से देखने लगे। तो यही था आज की वीडियो में। आप बताइए आपको रामानंद सागर की रामायण क्यों बेस्ट लगती है नीचे कॉमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।